नमस्कार, समय हो चला है देश विदेश की पांच बड़ी खबरों का, जिसमें बताएंगे कि कोरोना की धीमी पड़ती रफ्तार के बाद भी पीएम मोदी किस बात से चिंतित हैं। बात करेंगे नए रेल मंत्री की, जिन्होंने पदभार संभालते ही कई बड़े बदलाव किए हैं। चर्चा करेंगे किसान आंदोलन की, जिसमें सरकार ने किसानों के हित को लेकर एक बार फिर नई अपील की है। बताएंगे सेना के ऑपरेशन क्लीन के बारे में, जहां आज जवानों को बड़ी सफलता मिली है। अंत में बात करेंगे व्हाट्सएप की, जिसकी नई आईटी कानून आते ही हेकड़ी निकल गई है। तो आइए खबरों की शुरुआत कोरोना महामारी से करते हैं। देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर जैसे जैसे कमजोर पड़ती जा रही है, वैसे वैसे राज्यों में पाबंदियों में छूट दी जा रही है। लेकिन छूट के दौरान लोगों की लापरवाही की तस्वीरें भी सामने आने लगी हैं, जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रिपरिषद की बैठक में चिंता जताई है। बैठक के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना महामारी के खिलाफ भारत की लड़ाई युद्ध स्तर पर जारी है। कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, इसलिए इसमें लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं है। पीएम ने कहा कि देश के कुछ हिस्सों में कोरोना के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने भीड़ भाड़ वाली जगहों, बिना मास्क के घूम रहे लोगों और सामाजिक दूरी के उल्लंघन करने वाले दृश्यों पर चिंता जताई है। अपने संबोधन में पीएम ने कहा कि महाराष्ट्र और केरल में लगातार बड़ी संख्या में बढ़ रहे कोरोना के मामले चिंताजनक हैं। बता दें कि केरल में बीते 24 घंटे में कोरोना के 13,772 नए मामले सामने आए हैं, जबकि कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 30 के पार पहुंच चुकी है। वहीं महाराष्ट्र में कोरोना के प्रतिदिन लगभग 9,000 मामले सामने आ रहे हैं। बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने शिमला, मनाली, दिल्ली के लक्ष्मीनगर और सदर बाजार जैसी जगहों की कुछ तस्वीरें जारी की हैं, जिसमें लोगों की भीड़ साफ तौर पर देखी जा सकती है। रेल मंत्री का पदभार संभालते ही अश्विनी वैष्णव एक्शन के मूड में आ गए हैं, जिसको लेकर रेल मंत्री ने बड़े बदलाव का ऐलान किया है। रेल मंत्री ने अपनी घोषणा में कहा है कि मंत्रालय से जुड़े कर्मचारी और अधिकारी अब दो शिफ्टों में काम करेंगे। बता दें कि रेल मंत्रालय ने एक नोट जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि रेल मंत्री ने निर्देश दिया है कि मंत्रालय से जुड़े लोग अब दो शिफ्टों में काम करेंगे। उनका ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। आदेश के अनुसार पहली शिफ्ट सुबह 7 बजे से शुरू होगी और शाम 4 बजे तक चलेगी, जबकि दूसरी शिफ्ट दोपहर बाद 3 बजे से शुरू होकर देर रात 12 बजे तक चलेगी। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि सिर्फ मंत्री सेल के लोग ही इस नियम के दायरे में आएंगे, निजी और रेलवे स्टाफ पहले की तरह ही काम करेंगे। बता दें कि रेल मंत्री का कार्यभार संभालने के बाद अश्विनी वैष्णव ने कहा कि रेलवे पीएम मोदी के विजन का अहम हिस्सा है। हमें रेलवे के जरिए लोगों के जीवन को बदलना है, ताकि आम आदमी, किसानों और गरीबों को इसका लाभ मिल सके। बता दें कि वैष्णव ऐसे समय में रेल मंत्री बने हैं, जब निजी ट्रेन चलाने की चुनौती के साथ ही रेलवे की खाली जमीन के व्यावसायिक विकास की भी चुनौती होगी। इसके साथ ही बुलेट ट्रेन समेत हाई स्पीड रेल कॉरिडोर को भी फास्ट ट्रैक पर लाने की चुनौती होगी। कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन करीब 8 महीने से जारी है। केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए तीनों नए कृषि कानूनों को वापस लेने पर किसान अड़े हुए हैं। इस बीच मोदी कैबिनेट की बैठक में किसानों से जुड़े कुछ बड़े फैसले लिए गए हैं। कैबिनेट की बैठक के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों से आंदोलन खत्म करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि किसानों को मंडी के जरिए 1,00,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। आमतौर पर ये कहा जा रहा है कि जो नए कानून आए हैं उसमें APMC खत्म हो जाएगा। किसान आंदोलन से जुड़े मित्रों से मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार ने जो कुछ भी समय समय पर कहा है वो करने का प्रयास किया है। बजट में कहा गया था कि मंडियां समाप्त नहीं होंगी, मंडियों को और मजबूत किया जाएगा। जो कृषि अवसंरचना फंड 1,00,000 करोड़ आवंटित किया गया है, इसमें से फंड का इस्तेमाल APMC कर सकती है। तोमर ने कहा कि APMC खत्म नहीं होगी, कृषि कानून लागू होने के बाद भी कृषि उपज मंडी को करोड़ों रुपए का साधन भारत सरकार की ओर से इस अवसंरचना फंड में से उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें वो सशक्त होंगी। उन्होंने कहा कि किसान यूनियन के नेताओं से मैं अपील करता हूं कि वो इन सब चीजों पर गंभीरता से विचार करें, आंदोलन को समाप्त करें, चर्चा का माध्यम अपनाएं। सरकार चर्चा के लिए तैयार है।
कृषि मंत्री की अपील पर किसान नेता राकेश टिकैत का बयान सामने आया है। टिकैत ने कहा कि सरकार चाहे लाठी डंडे का इस्तेमाल करे, लेकिन जो भी बात होगी वो बिना किसी शर्त के होगी। हम 8 महीने से आर पार के मूड में ही बैठे हैं। अगर हम जाएंगे तो बातचीत से, नहीं तो लाठी डंडे गोली, जिससे सरकार भगाना चाहे भगा दे। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों का देश के दुश्मनों के खिलाफ सफाई अभियान जारी है। इसी बीच जम्मू कश्मीर के सुंदरबनी में पाकिस्तान से भारत में घुसपैठ की कोशिश कर रहे 2 दहशतगर्दों को सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ के बाद ढेर कर दिया है। बता दें कि सुरक्षा बलों को 29 जून को राजौरी जिले के सुंदरबनी सेक्टर के डडाल इलाके में आतंकियों के होने की खबर मिली थी। इसके बाद से ही सुरक्षा बलों ने सघन सर्च ऑपरेशन चला रखा था। तलाशी के दौरान 8 जुलाई को जवानों को आतंकियों के सटीक ठिकाने का पता चला, जिसके बाद जवानों ने डडाल के जंगलों में आतंकियों को आत्मसमर्पण करने को कहा, लेकिन आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में 2 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। इस दौरान 2 जवान भी शहीद हो गए। शहीद जवानों के नाम नायब सूबेदार श्रीजीत एम और सिपाही एम जसवंत रेड्डी हैं। जवानों ने आतंकियों के पास से 2 AK-47 और काफी मात्रा में गोला बारूद बरामद किया है। खबर लिखे जाने तक तलाशी अभियान जारी था। बता दें कि इससे पहले बुधवार को जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में नियंत्रण रेखा पर सेना ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करते हुए एक पाकिस्तानी आतंकवादी को मार गिराया था। भारत में आईटी के नए नियम आने के बाद व्हाट्सएप के तेवर ढीले पड़ गए हैं। अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर व्हाट्सएप ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया है, जिसमें उसने कोर्ट को बताया कि जब तक डेटा प्रोटेक्शन बिल प्रभाव में नहीं आ जाता, तब तक वो यूजर्स को नई प्राइवेसी पॉलिसी अपनाने के लिए बाध्य नहीं करेगा। व्हाट्सएप ने हलफनामे में हाई कोर्ट को बताया कि नई प्राइवेसी पॉलिसी को नहीं अपनाने वाले यूजर्स के लिए वो उपयोग के दायरे को सीमित नहीं करेगा। व्हाट्सएप ने चीफ जस्टिस डीएन पटेल और जस्टिस ज्योति सिंह की बेंच के समक्ष भी स्पष्ट किया कि वो उन यूजर्स के लिए कार्य क्षमता को सीमित नहीं करेगा जो इस बीच नई प्राइवेसी पॉलिसी का चयन नहीं कर रहे हैं। व्हाट्सएप की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील हरीश सालवे ने कहा कि हम स्वेच्छा से इस नीति को होल्ड पर रखने के लिए सहमत हुए हैं। हम लोगों को प्राइवेसी पॉलिसी को स्वीकार करने के लिए मजबूर नहीं होंगे। सालवे ने कहा कि व्हाट्सएप अभी भी अपने यूजर्स को अपडेट दिखाना जारी रखेगा। बता दें कि हाईकोर्ट फेसबुक और उसकी फर्म व्हाट्सएप की अपील पर सुनवाई कर रही है, जिसमें सिंगल जज बेंच के आदेश के खिलाफ प्रतिस्पर्धा नियामक CCI के व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी की जांच के आदेश को रोकने से इनकार कर दिया गया है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।